बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभिनव शुक्ला सीक्रेट रूम में है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और इसके बारे में हमने आपको बताया था। अभिनव शुक्ला के सीक्रेट रूम के साथ शो में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे जानकर, जिसे देखकर आप पूरी तरह से खुशी से झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा कौन सा ट्विस्ट है जो कि आने वाला है आने वाले दिनों में, आइए हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे। और हम आपको बताएं कि स्पेशली रूबीना दिलैक के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, अभिनव शुक्ला के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप दबा जरूर लीजिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिग बॉस सीजन 14 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है 21 फरवरी 2021 को। 21 फरवरी 2021 को आने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बच गए हैं और 2 हफ्ते पहले अभिनव शुक्ला का इविक्शन हुआ काफी अनफेयर तरीके से। दर्शकों का जो गुस्सा है, अभिनव शुक्ला के जो फैंस का गुस्सा है, शो के मेकर्स और शो के होस्ट पर पूरी तरह से फटा और शो के मेकर्स को ये धमकी देने लगे और साथ ही साथ ये कहने लगे कि हम बिग बॉस तब तक नहीं देखेंगे जब तक अभिनव शुक्ला की वापसी नहीं हो जाती। तो शायद इसी वजह से अभिनव शुक्ला को लेकर शो के मेकर्स जो हैं वो थोड़ी बहुत जो हैं रिस्क पालना नहीं चाहते। शो बहुत ऑलरेडी हिट जा रहा है और इसी वजह से अभिनव शुक्ला की वापसी कराना चाहते हैं शो के मेकर्स। इसीलिए तो अभिनव शुक्ला को बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर एक होटल में रखा गया है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वहां होटल से डायरेक्ट सीक्रेट रूम में डाला जाएगा अभिनव शुक्ला को और अभिनव शुक्ला वहां पर ही क्वारंटाइन होंगे राहुल महाजन के साथ। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि वैलेंटाइन डे पर आएंगे और वैलेंटाइन डे पर आकर रूबीना दिलैक को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे क्योंकि वो वाला दिन जो है वो प्यार का दिन होता है वैलेंटाइन डे, और साथ ही साथ प्यार वाले दिन में प्यार का इजहार करते हुए नजर आएंगे अभिनव शुक्ला। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसका फायदा उठा सकते हैं जान कुमार शानू की दोस्त निक्की तंबोली और साथ ही साथ रूबीना दिलैक, ये लोग जो हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर निक्की तंबोली इस हफ्ते घर से बेघर होने से बच जाती हैं तब वो इस फायदा का उठा सकती हैं, इस ट्विस्ट का फायदा उठा सकती हैं। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और अभिनव शुक्ला को कौन सा वो पावर मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी।